जी मीनाक्षी जी, क्या कहना चाहते जी? बहुत खुश हूँ, जनता ने मेरा इतना साथ दिया जी। मेरी अकेले की जीत नहीं है, मुजफ्फरनगर की जनता की जीत है और अब मुजफ्फरनगर के विकास की जीत है। जिस तरह से मतदान परसेंटेज कम हुआ था, लग रहा था कि जीतेंगे? अब सब ये तो मुझे नहीं लग रहा था इतनी वोटों से जीतेंगे, पर था जीत तो था कि 10,000 तो था ही, और ज्यादा से जीत गए। 10,000 से तो सोच ही रहे थे कि जीतेंगे। लगता मुस्लिम मोहल्लों से काफी वोट मिली है, बहुत वोट, और 11786 जो 786 नंबर आया, कुंभ में एक धार्मिक सम्मानित नंबर होता है, क्या कहना चाहते हैं उसके लिए? हाँ, नहीं, मुस्लिम भाइयों ने बहुत साथ दिया है हमारा, हमारी जो मेहनत का फल मिला है हमें। किस तरह का विकास रहेगा मुजफ्फरनगर? मुजफ्फरनगर को इंदौर बनाएंगे, मुजफ्फरनगर को इंदौर बनाएंगे जी। जिस तरह से मुजफ्फरनगर में 8 नगर पंचायत, 2 नगर पालिका है, आप अकेली भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी, क्या कहना चाहोगे? बस मुजफ्फरनगर का विकास ही करेंगे और खुश हैं, बहुत खुश है, भारतीय जनता पार्टी जीती है जी। ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है, काम करेंगे, जो वादे करें पूरे करेंगे। मुजफ्फरनगर की जनता के लिए क्या सबसे पहले विकास कार्य होगा कि आज आपकी बात सुनते ही खुश हो जाए जनता? विकास करेंगे तो देखिए, जो हम ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है, रोड मैप बनाएंगे, उसी पे काम शुरू होगा। वैसे तो नहीं कि सफाई का ही सबसे मेन मुद्दा है यहाँ, तो सौंदर्यकरण का ही, तो वही शुरू करेंगे। मुजफ्फरनगर की जनता लगातार गौरव स्वरूप जी आपके पार्टी से चुनाव लड़े थे लेकिन हारे, बीजेपी में 7 साल से आए और पहली बार आते ही जीत गए, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं बीजेपी के लिए? धन्यवाद, इसी के तो बस, हाँ धन्यवाद ही बोलूंगी मैं, जनता का पूरा, जनता का पूरा पूरा आभार है, पूरा मुजफ्फरनगर की जनता का, मुजफ्फरनगर की जनता का बहुत बहुत आभार है, उनका धन्यवाद है, उन्हीं की वजह से मैं यहाँ हूँ। आपके ससुर साहब का कार्यकाल मुजफ्फरनगर की जनता ने देखा है, क्या उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर विकास? बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं के नक्शे कदम पर चल के विकास होगा, जैसे वो चले थे बिल्कुल वैसे ही होगा। मुजफ्फरनगर की जनता के लिए जीत, उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो उन्होंने, हाँ, जो उन्होंने, जैसे आप कह रहे हैं कि विकास के लिए जो हमने कहा था कि वो हमारा मेन एजेंडा होगा, उस पर हम पूरा खरे उतरे।